यहाँ पर दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा Realme C3 एंड Realme Narzo 10 A के Realme UI 1.0 बेस्ड ऑन Android 10 न्यू अपडेट के बारे में। फाइनली दोस्तों Realme C3 एंड Realme Narzo 10 A के लिए Realme UI 1.0 बेस्ड ऑन Android 10 का एक न्यू अपडेट ऑफिशियली रोल आउट होना चालू हो चुका है। तो इसी अपडेट के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी का जो चैनल इसको सब्सक्राइब कर दो और साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको दबा के ऑल कर दो, ताकि जैसे ही मैं इन फ्यूचर कोई ऐसा वीडियो अपलोड आपके फोन में जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले पहुंच जाए। और साथ में मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप जाकर उनको भी ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सबसे ऊपर उनका लिंक मिल जाएगा। अब जाके मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे सेटिंग्स, उसके बाद में सॉफ्टवेयर अपडेट वाला जो सेक्शन है वो दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो RMX 2027, जो कि यहाँ पे Realme C3 का मॉडल नंबर, और साथ में यहाँ पे A.67 का जो अपडेट है उसे मैंने अपने फोन में इंस्टॉल कर लिया है। अब OTA साइज आपका अराउंड 200 to 300 MB के बीच में ही देखने को मिल जाएगा, बट फिलहाल मुझे OTA अपडेट नहीं मिला है तो इस अपडेट को मैंने मैनुअली अपने फोन में इंस्टॉल किया है। वैसे आप कर नहीं सकते क्योंकि उसके लिए काफी सारी चीजें आपको करना होगा, जैसे कि बूटलोडर अनलॉक, उसके बाद में कस्टम रिकवरी इंस्टॉल करना होगा, फिर जाके आप इस वाले OZIP को फ्लैश कर सकते हो, क्योंकि स्टॉक OZIP फिलहाल अवेलेबल नहीं हुआ है, तो वो अलग टॉपिक है। लेकिन बात करते हैं अगर हम इस अपडेट के बारे में, तो A.67 का जो अपडेट है वो Realme C3 एंड Realme Narzo 10 A Android 10 यूजर्स के लिए A.65, जिनके फोन में पहले से इंस्टॉल है उनके लिए जो अपडेट है ये रोल आउट हो रहा है। जहां तक बात है फीचर्स की, तो जाके मैं आपको चेंज लॉग भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको मिल जाता है एंड्रॉइड का सिक्योरिटी पैच लेवल, जो कि यहाँ पे सितंबर 2021 का हो चुका है, और सिस्टम के अंदर ऑप्टिमाइज द सिस्टम परफॉर्मेंस एंड ऑप्टिमाइज द सिस्टम स्टेबिलिटी। यानी आपको इस अपडेट के साथ में सिर्फ और सिर्फ जो सितंबर मंथ का सिक्योरिटी पैच है वही देखने को मिल जाता है। अगर आप जाकर चेकआउट करोगे अबाउट फोन में तो वहां पे आपको 5th सितंबर 2021 का जो सिक्योरिटी पैच है वो देखने को मिल जाएगा। और इसके अलावा इस अपडेट के साथ में आपको और कुछ भी न्यू फीचर देखने को नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं Realme UI 2.0 बेस्ड ऑन Android 11 अपडेट के बारे में। तो कुछ लोगों को A.65 वाले वर्जन के ऊपर ही C.05 का जो अपडेट है Realme UI 2.0 का वो डायरेक्टली देखने को मिल चुका है, तो उनके लिए भैया C.05 ही देखने को मिलेगा, उनको A.67 का जो अपडेट है वो देखने को नहीं मिलेगा। तो वो लोग A.65 वाले अपडेट से सीधा C.05 पे अपडेट कर लो, उसके बाद में आपके फोन में जो Android 11 का अपडेट है वो इंस्टॉल हो जाएगा, और उसके बाद में इन फ्यूचर जितने भी Android 11 के अपडेट्स आएंगे, फॉर एग्जांपल C.06, वो आपको उन फोन्स के अंदर देखने को मिल जाएगा। लेकिन अभी भी दोस्तों यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जिनके फोन में A.65 के बाद में भी जो Realme UI 2.0 का अपडेट है वो देखने को नहीं मिला, तो उनके लिए ये जो अपडेट है A.67 ये रोल आउट हो रहा है। इस अपडेट को आप अपने फोन में इंस्टॉल कर लो, अगर आपको मिला है तो बहुत बढ़िया, अगर आपको नहीं मिला है तो मैक्सिमम 2 वीक्स के अंदर जो अपडेट है वो सभी Realme C3 और Narzo 10 यूजर्स, जिनको अभी तक Realme UI 2.0 का अपडेट नहीं मिला है, उनके फोन में ये जो अपडेट है ये देखने को मिल जाएगा। तो A.67 अपडेट को सबसे पहले आप इंस्टॉल कर लो जैसे आपको मिलता है, उसके बाद में आपको थोड़ा सा और वेट करना है, आपको Realme UI 2.0 का जो अपडेट है वो जरूर से देखने को मिलेगा। अब वो C.05 भी हो सकता है या फिर जो अपकमिंग अपडेट आने वाला है C.06, वो भी आपको हो सकता है डायरेक्टली देखने को मिल जाए। तो इस अपडेट में ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी पैच और सिस्टम के अंदर जितने भी छोटे मोटे बग्स थे उनको यहाँ पे फिक्स कर दिया गया है, तो बस यही है। तो इतना ही दोस्तों इस वीडियो के अंदर, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करो, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में वीडियो के साथ, तब तक के लिए ऐसी बने रहो हमेशा स्मार्ट रहिए।